दोस्तों जो ये आप टीपीसी ढलाई देख रहे हैं दोस्तों यानी कि दोस्तों आप देख सकते हो कि कितना बेहतर इस पर टी ढलाई किया गया है टीपीसी ढलाई आप जो कि है प्लिंथ बीम के जगह आप ढलाई कर सकते हो अगर बीम आप नहीं दे रहे तो इस तरह से आप किस प्रकार से बेहतरीन ढलाई कर सकते हो वो भी बिना पाटे की मदद से तो मैं इस वीडियो में वही बताने वाला हूँ जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो टीपीसी ढला हुआ है दोस्तों तो ये डीपीसी किस तरह से ढलाई हुआ है कि आप देख सकते हो बहुत ही बेहतरीन सकते हो और जो है आपका एक लेवल हो। तो इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं दोस्तों हमारे वीडियो में बने रही दोस्तों नमस्कार मेरा नाम अशोक है और आप सबों का अशोक हाउस कंस्ट्रक्शन की और एक वीडियो में स्वागत है तो दोस्तों सबसे पहले आपको इस प्रकार से एक पाटा लेना है ये प्लास्टर पाटा है आप पहली बात ही जानते हैं दोस्तों ये अल्यूमिनियम का होता है तो इसको इस तरह से लेना है और आपको जितने भी ढलाई करना है जैसे कि आप देख पा रहे जो कि पाटा हमारा है एक तरफ से आपका ढाई इंच रहता है और एक तरफ से आपका डेढ़ इंच रहता है तो जितने भी आपको ढलाई करना है दोस्तों इस पाटे को रखें उस साइड जैसे कि आप देख पा रहे ये ढाई इंच में हमारा खड़ा है अगर इसके ऊपर हम देखें दोस्तों तो यहाँ पे हमारा डेढ़ इंच है तो इसको आप इस तरह से रखें और एक आदमी से आप पकड़वाएं इस पर दोस्तों दो हाथ से पकड़ें और एक आदमी आप इस तरह से ढलाई करो जिस समय ढलाई करे दोस्तों आपको आधा ढलाई करना है दोस्तों जैसे कि आपका जो कंक्रीट बनाए हैं दोस्तों वो गिरे नहीं तो आप देख सकते हो तो दोस्तों इस पार्टी की मदद से यहाँ पे ढलाई किया गया है और कितने ही बेहतरीन ढलाई हुआ है ना तो इसमें किसी सेंट्रिक पार्टी का जरूरत है ना ही और किसी प्रकार का तो आप यहाँ पे जैसे की देख पा रहे हो यहाँ पे पाटा जिस प्रकार से लगाया गया है तो इस प्रकार से आप पकड़े और इस प्रकार से आप आधा ढलाई करें उसके बाद जब हो जाए तो दोस्तों इस साइड आप पाटे लगा के इसमें किस में, इस में पूरा ढलाई कर सकते हो जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे आधा हम लोगों ने ढलाई किया है और इसके बाद इस प्रकार से इधर हम लोगों ने पाटे को लगाया है दोस्तों इस पर इसके बाद हम लोग ढाले को ढलाई के जो है कि हम लोग पूरा करेंगे और आपको एक बात तो का ख्याल रखना है दोस्तों अब जब इस प्रकार से ढलाई करें तो एक ही दुआ आपने चाहे आपका जितना भी लंबा हो या छोटा हो एक दीवार आधा ढलाई करें दोस्तों फिर आप दोबारा उसमें पूरा करें उसके बाद दूसरे किसी दीवार को आप ढलाई करें और जब आप टीपीसी ढलाई करें तो आपको ये ख्याल रखना होगा दोस्तों जिस पार्टी से आप ढलाई करें यानी कि पोस्टर पार्टी से दोस्तों तो वो पाटा आपका बड़ा साइज होना चाहिए मिनिमम दोस्तों छह से सात फीट का होता है तो उसी साइज का होना चाहिए और आप उससे ढलाई करते जाए इस तरह से फिर ढलाई करने के बाद इस तरह से घिसका के ढलाई करते जाना है आपको दोस्तों और जो आपका एक दीवार हो जाए दोस्तों तो फिर आपको दूसरे साइड कंप्लीट कर लेना है आपका ढलाई तो दोस्तों ये कुछ जानकारी थी दोस्तों डीपीसी ढलाई की मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं आपको एक बात बता दूँ दोस्तों की जब आप डी पी सी ढलाई करें दोस्तों तो आपका बालू जो है दोस्तों इस प्रकार से होना चाहिए यानी कि सेंड थोड़ा मोटा होना चाहिए जो कि ढलाई लाइक होना चाहिए और ढलाई में हमेशा मोटा बालू ही लगता है दोस्तों तो आपको इस बात को ख्याल रखना हो ऐसा नहीं कि ज़्यादा दाना हो इसमें ज़्यादा पत्थर हो मतलब जो कि पत्थर के टुकड़े होते हैं वो नहीं होना चाहिए तो मोटा बालू हो हमेशा ये आपको ख्याल रखना है और जो अष्टों की बारी आती है दोस्तों जो टिपी सी जो ये आप देख पा रहे हैं दोस्तों जैसे कि हम घर ढलाई करते हैं फिर लेटर ढलाई करते हैं तो ऐसा गिट्टी नहीं होना चाहिए दोस्तों इसे हम गिट्टी भी बोलते हैं आप अपने भाषा में क्या बोलते हो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा तो ये जो गिट्टी जो होता है दोस्तों उसका जो कि टुकड़ा होता है तो इसी से आपको टीपीसी ढलाई करना है दोस्तों दोस्तों मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि टीपीसी पी को लेकर आपके मन में जितने भी डाउट होंगे वो क्लियर हो चुका होगा कि किस प्रकार से आपको ढलाई करना है कि आपका ढलाई एक लेवल हो और वो भी बिना पाटे की मदद से तो अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है कहीं से भी दोस्तों तो फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा क्योंकि आप हमारे चैनल में आते हो वीडियो देखते हो और मैं आप सबों के बीच में इस प्रकार से वीडियो बनाते रहता हूँ जो कि आपके घर के रिलेटेड वीडियो होता है और आप सबकों को मदद करने की मैं कोशिश करता हूं अपने वीडियो के जरिए में तो प्लीज से एक लाइक कर दीजिए दोस्तों और आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों और बेल आइकन घंटे बा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा दोस्तों तो और हो सके तो अपने दोस्तों यारों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए क्योंकि दोस्तों हम अपने चैनल पे और अपने वीडियो के माध्यम से आप सबों को घर के रिलेटेड सारी जानकारी आपको देते रहते हैं दोस्तों तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अंत में मैं यही कहूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा दोस्तों मिलते हैं किसी और एक नए वीडियो के साथ नए टॉपिक के साथ दोस्तों और एक बेहतरीन वीडियो के साथ जो कि आपके काम की वीडियो हो और आपको कुछ जानकारी दे आपके घर के रिलेटेड ऐसा वीडियो मैं आप सबों के बीच में लाऊंगा दोस्तों मिलते हैं किसी और एक वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय जाह भारत